हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो बैंक निफ्टी में या यूं कहें कि डेरिवेटिव स्ट्रेट करने के लिए हम दो मेथड्स आपको देंगे आज के दिन कोशिश हम ये भी करेंगे कि आने वाले समय में कुछ स्ट्रेट्स हम आपको डेरिवेटिव्स के अंदर भी ट्रेड करके देखा ऐसा नहीं है कि हम डेरिवेटिव स्ट्रेट करते नहीं हैं या कर नहीं सकते या आप स्टॉक्स पर काम करें तो फिर हमेशा स्टॉक्स पर ही काम करते रहना है एक सही समय का जस्ट हम वेट करें हमारा कुछ अपना टारगेट है पर्सनल लेवल पर हम उस टारगेट को पहले अचीव कर लेना चाह रहे हैं उसके बाद में फिर हम डेरिवेटिव्स के ऊपर पढ़ेंगे तो आने वाले टाइम में हम आपको डेरीवेटिव स्ट्रेट करते हुए भी दिख जाएंगे वो सेफ रहे मेरे पास हमारी कैपिटल क्योंकि सबसे पहला टारगेट यही हमको सिखाया गया है कि जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा सेव करना सीखो धीरे धीरे करके उस पैसे को बढ़ाओ और बढ़ाने के बाद में अब उसके अंदर आप मार्केट से ही पैसा लेकर के उसी परिस लेना बाकी अलग से आपको कोई पैसा ऐड नहीं करना उसके अंदर डेरिवेटिव्स में जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे दो सिंपल टेक्निक्स हैं ये दो सिंपल मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डेरिवेटिव में ट्रेंड निर्धारित करते हैं उसकी दिशा निर्धारित करते काफी सारी टेक्निक्स होती है ना वो मार्केट कंडीशन या मार्केट सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि कब कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी अभी जो सिंपल सी टेक्निक्स हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल इन देंस कि आसान है आप किसी भी मार्केट कंडीशन में उसको लगा दो वो बहुत अच्छा वर्क करेंगे अच्छा काम करेंगे देखिए इसके लिए टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज़ करते हैं डेरिवेटिव्स में सबसे पहली चीज़ जो डेरिवेटिव्स के अंदर हम हर बार आपसे बोलते हैं कि जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होते हैं हमारे पास ऑप्शन इन द सेंस कि बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी में ही करना है स्टॉक्स में यही बेनिफिट मिल जाता है बैंकिंग सेक्टर हमारे पास पूरा है हमें मालूम है बैंकिंग सेक्टर में, में शॉर्ट करना है आईसीआईसीआई है एक्सिस है एसबीआई है बैंक ऑफ बड़ौदा है एच बैंक है तमाम बैंक है किसी ना किसी बैंकिंग सेक्टर में आपको कोई ना कोई सेटअप दिख ही जाएगा आप ट्रेड मार दोगे प्रॉफिट में निकलोगे वो है वो सही है अब निफ्टी में बैंक निफ्टी में हम जब काम करने आ रहे हैं तो एक ही है एक ही चार्ट हमारे पास है उसी के अंदर में सपोर्ट भी निकालना है उसी के अंदर रेजिस्टेंस भी निकालना है और ट्रेड भी रोज़ करना है ये जो कोई प्रोफेशनलिज्म तो नहीं है रोज़ ट्रेड करने का जब सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आप देखोगे कि वो कोशिश करता है कि वो रोज़ ट्रेड मारे स्टॉक उसके लेवल पर ये डेरिवेटिव्स के जो प्राइस हैं उसके लेवल पर है नहीं उससे उसको मतलब ही नहीं लेकिन उसको रोज़ ट्रेड मारना है बाद में कहता है कि अरे नुकसान क्यों हो होंगे इतना लॉस क्यों हो गया हमको बीस लाख का नुकसान पचास लाख का नुकसान इतने बड़े बड़े नुकसान क्योंकि हम क्या अगर अपना जो काम है वो फोकस इस वक्त जो हम फोकस कर रहे हैं वो तो अपना फोकस सिर्फ इक्विटी के ऊपर ही है तो जब मेरे पास कॉल आता है हम बोलते है कि एक्विटी एक्विटी हैं कि इक्विटी की इक्विटी के ऊपर प्रैक्टिस कराएंगे हम या इक्विटी के ऊपर हम आपको प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर रोना गाना शुरू होता है सामने वाले का कि हमने इतने में काम किया इतना लॉस कर चुके हैं सबसे बड़ा जो हमको आज तक तो जो हमको लॉस समझ में आया है जिन्होंने सामने से बताया है वो साढ़े करोड़ का लॉस था बैंक निफ्टी में ट्रेड कर करके लॉस किया है बहुत सारा उनका लॉस वो डब्बा ट्रेडिंग कुछ होता है हमें इसके बारे में पहले नहीं मालूम था बाद में फिर हमने समझा समझाया वो समझने की कोशिश की ना तो उसके बारे में पता चला उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद किए इसके बाद में फिर वो जो मध्य प्रदेश की कुछ कॉल टिपर जो होते ना उनको उनको दे करके बहुत पैसा बर्बाद किया फिर सोचा नहीं चलो सीख लेते तो किसी से सीखा भी खा होगा उन्होंने तो उसमें काफ़ी पैसा बर्बाद किया मतलब मेरा ये जो सबसे हाइस्ट है जो हमने सुना है बाकी पचास लाख साठ लाख एक करोड़ एक करोड़ कम ही है बाकी एक करोड़ से नीचे के ही हैं सारे सत्तर लाख का नुकसान कर रहा है कोई नब्बे लाख का नुकसान कर रहा है कोई दस लाख का नुकसान कर रहा है हमको तो कोई बोल देता है कि पाँच लाख का नुकसान हमने किया वो भी हमारे लिए बहुत होता है वो साढ़े तीन करोड़ तो हाईएस्ट था तो इन सारी चीज़ों से बचते बचाते काम करना होगा कोशिश करिए रोज़ नहीं जब सेटअप मिलेगा ना तब काम करेंगे और सेटअप ऐसा वो अच्छा सेटअप है जो कि हमको रोज़ ट्रेड करने का मौका दे तो उसी में से एक चीज़ ये वन आवर का टाइम फ्रेम लगा लेना और नेक्स्ट डे जो हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो किस तरह का ट्रेड होगा इस चीज़ को समझिएगा अभी देखिए कुछ एक लाइन्स हम ड्रॉ करना आपको बताएंगे कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे आपके पास ये कुछ एरिया बन गया इस इसको समझिएगा आपका यहाँ से ले लेते हैं एक बॉक्स ओके यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने बॉक्स ये क्या है थ्री 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 सिक्स वन तैंतीस तीन इकसठ और थ्री फाइव टू नाइन सेवन ये एक रेंज बन गई अब इसमें होगा क्या देखिए दो पॉइंट है थ्री टू नाइन थ्री फाइव टू नाइन सेवन और थ्री 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 सिक्स वन इन दो रेंजेस के बीच में कितने पॉइंट्स का गैप है अगर हम ऐसे लेकर के चलें तो पैंतीस हज़ार दो सौ और पैं तैंतीस हज़ार चार सौ तो कितना हो गया इस बीच में 8, 35, तो एक हज़ार अट्ठारह सौ अट्ठारह पैंतीस हाँ लगभग लगभग अठारह सौ दो सौ मतलब पूरे लगभग अगर ऐसे हम राउंड फिगर लेकर के चलें तो दो हज़ार रुपये का एक पॉइंट बन रहा है ना अब दो हज़ार रुपये के प्राइस के अंदर आपको ट्रेड करने के बहुत कम ऐसे लेवल मिलेंगे ऐसा तो नहीं है कि फिर ये 2000 पॉइंट अगर एक एक रुपया करके चलें तो लगभग 2000 हज़ार पॉइंट्स हमारे हमको मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए तो हमें यहाँ से ट्रेड नहीं करना है इन 2000 के पॉइंट्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जगह कम ही होगी हमें देखना क्या होगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है ऐसा कौन सा प्राइस है जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है वो पॉइंट निकाल लेना है तो ऑटोमेटिक हमारे पास वो लेवल्स निकल के आ जाएंगे जिससे कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है या जहाँ से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं समझ रहे ना इस बात को जैसे कि ये हो गया एक रुपए का और ये हो गया दस रुपए का तो यहाँ पर क्या है ये एक रुपए का प्राइस है दस रुपए का प्राइस है तो एक से दस के बीच में करीब दस पॉइंट्स बनेंगे अब इन दस में से हो सकता है दो रुपए पाँच रुपए आठ रुपए और ख़त्म इसके नीचे कुछ नहीं तो ये मान के चलिए अच्छा नौ रुपये हो जाता है ना तो दो पाँच और आठ और ये नौ ये चार पॉइंट्स ट्रेडेबल हैं बाकी के बीच में सिक्स जो पॉइंट्स हैं वो ट्रेडेबल हैं ही नहीं तो हमें वेट करना होगा कि प्राइस हमारा इन वाले पॉइंट्स पर आए इसको समझना होगा देखिए ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी करके हम लोग निकल जाएं जहां मर्जी वहां ट्रेड मारते हैं ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो कुछ कुछ समझ होनी चाहिए कि हमें कहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है क्या करना है अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपको काम करना है तो आएगा वाला हिसाब किताब तो फिर आप मार्केट खुलते ही मार दो नाइन फिफ्टीन के कैंडल बनी नहीं और आपका ट्रेड पड़ गया बाप रे बाप मतलब भगवान ही होगा ऐसा कोई उस उस लेवल का जो 915 के ओपन प्राइस पर ही उसका ट्रेड पड़ जा रहा है अनबिलीवेबल है बहुत से से ट्रेडर्स हमने देखे हैं वो पता नहीं क्या है वो किस तरह से काम करते हैं हमें आज तक समझ भी नहीं आया नाइन के ओपन प्राइस पर ही ट्रेड पड़ जा रहा है आप मार के देखो कभी यहाँ तो कई के दिन तो ऐसे होते हैं कि ट्रेड मिलता ही नहीं है और हम ये चीज देख करके हैरान हो जाते हैं कि नाइन फिफ्टीन पर ही ट्रेड पड़ जा रहा है समझ से परे है वो चीज कोशिश करिए कि इस तरह से नहीं अपना एक पॉइंट बना लो ना उसके पास से ही ट्रेड मारो आवर्ली टाइम फ्रेम लगा है अपने पास आवर्ली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टेक्निक्स जो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे इस केस में आपको पिछले थर्टीन डेज का डाटा लेना है पूरे तेरह दिन का डाटा होगा काउंट कर लीजिए उसको आवर्ली टाइम फ्रेम लगा लो और यहाँ पर काउंट कर लो आप एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह यहाँ पर अपने पास फर्स्ट फर्स्ट फ़रवरी का डाटा है पूरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है पूरे तेरह दिन का डाटा है मेरे पास फर्स्ट फरवरी से लेकर के अभी तक का अब इसके अंदर मार्किंग स्टार्ट होगी मार्किंग करना कैसे देखिए सबसे पहला तो हमें यह देखना है इसके अंदर वॉल्यूम्स बायर्स के सबसे ज्यादा हैं सेलर्स की सबसे ज्यादा हैं यह कैसे पता चलेगा एक चीज़ हमेशा याद रखिए बहुत नॉर्मल सी चाइल्डिस टाइप की चीज़ है जैसे कि कोई भी एक कैंडल अगर फॉर्म हो रही है तो कलर कोई मैटर नहीं करता उस कैंडल में अप में हमेशा सेलर होगा और डाउन में हमेशा बायर होगा अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ ब्लैक कैंडल है बियरिश कैंडल है तो बियरिश कैंडल में अपोजिट करिए बिल्कुल अपोजिट बेरिश कैंडल में हो क्या रहा है कि अब से प्राइस नीचे की तरफ ढकेला जा रहा है नीचे की तरफ गिराया जा रहा है यहाँ से क्या हो रहा है इसको मिल रहे हैं सेलर्स अगर रेड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है तभी तो प्राइस हमारे नीचे की तरफ आ रहा है और इसका जस्ट अपोजिट आप कर दोगे ब्लू कैंडल्स में मतलब पॉजिटिव कैंडल जो बनती है आपकी पॉजिटिव कैंडल में क्या होता है प्राइस नीचे से अपसाइड की तरफ जा रहा है डाउन से अपसाइड की तरफ जा रहा है ये बन जाता है इसका सपोर्ट एरिया मतलब वो पॉइंट जहाँ से प्राइस के अंदर बाइंग्स एग्जीक्यूट की गई हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस तो ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल्स के जो जोन जो 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 हम बताएंगे ये पूरे जोन जैसे यहाँ पर देखिए सेलर्स हैं ये सेलिंग जोन है पूरा जब भी हमें ब्लैक कैंडल मार्क करनी होगी या ब्लैक जोन जब हम मार्क करेंगे तो इस पूरे जोन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा हम वो मार्क कर लेंगे और जब हम बात करेंगे बुलिश कैंडल्स की ब्लू कैंडल्स के तो उस केस में जो भी कैंडल होगी हम उसका लो मार्क करेंगे लो इसलिए क्योंकि वही उसका सपोर्ट पॉइंट होता है प्राइस में अगर कोई बाइंग कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर उसके अंदर बाइंग कर रहा है तो कोशिश ये करेगा कि जिस लेवल से उसने बाइंग की है ना प्राइस इसके नीचे ना जाए इस तरह से क्योंकि गया तो फिर तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो हमेशा आप देखोगे कि कोई भी अगर ब्लू कैंडल है तो उसके लो पर प्राइस आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा इस तरह से अब जैसे स्विंग है कल मार्केट ओपन हो जाने दो कल देख लीजिएगा बैंक निफ्टी अगर इस वाली लेवल के नीचे नहीं निकला तो मूव आपको दिख जाएगा ये एक सपोर्ट पॉइंट है अभी तक कहाँ पर हम लोग पहुंचे कि जोन हम कुछ ना कुछ जोन मार्क करने होंगे जैसा अभी हमने बताया कि हमें देखना है यहाँ पर बियरिश है या फिर बुलिश सबसे ज्यादा है जो भी आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगा उस केस में आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स मार्क करोगे थर्टीन डेज हमारे यहाँ तक हुए थे अब आप देख लो कि इन थर्टी डेज में सबसे ज्यादा बायर हैं या सेलर्स कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस कौन से हैं इसमें काउंटिंग करके काम चलाइएगा है ना वॉल्यूम्स को ऐसे नहीं कि वॉल्यूम को पढ़ लिया काउंट करिए ज़्यादा देर तक कौन यहाँ पर टिका टिक रहा है तो देखिए यहाँ पर लास्ट में सबसे ज़्यादा हमें कौन नज़र आया है सेलर अगर ये सेलर है तो सेलर को कहाँ से रेजिस्टेंस मिला है कहाँ से सेलर गिरा है मेरा इस केस में आप उस कैंडल का पूरा हाई मार्क कर लोगे यहाँ से या ये वाला जोन इसका आपको हाई मार्क कर लेना कुछ 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 इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाएगा डॉक्टर वाला क्यों है कैसे है ये तो ये हो गया वो तो वो हो गया हमारा आर एस आई यहाँ पर है बोल ये सब ये सब मत करिएगा सिंपल जब एक्शन तो मतलब एक्शन तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो सेलर है हमने इसका जस्ट हाई मार्क कर लिया अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पास्ट में दिख जाएगा कि वो लेवल कितना ज़रूरी रहा है अब क्या करना है एक ही तो पॉइंट होगा नहीं अब यहाँ पर आपने सेलर्स देख लिए कितने हैं सेलर्स एक दो तीन चार पाँच छः सात अब देखिए इससे ज्यादा बाइंग कहाँ पर हुई है तो कंटिन्यूस हमें बाइंग फाइंड करनी है आगे बढ़ते जाएंगे हो अब इससे कम ही देखना है मतलब अगर इसके बराबर जरूरी नहीं है कि ये सात है तो हमें आठ तो एट बार्स चाहिए सबसे ज्यादा तो हमने ये माफ कर लिया अब देखिए इससे कम आ, बायर्स कहाँ पर हैं इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए क्योंकि सेलर को तो हमने माफ कर लिया अब बायर्स का जो जोन होगा ना उसको माफ करो यहाँ पर कितनी कैंडल्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब यहाँ पर देखिए क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पर सिक्स कैंडल्स है ये फाइव है तो मतलब ये सबसे ज्यादा है ना ये सेवन है और ये यह सिक्स तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर के मेरा अपसाइड की तरफ गया है तो हमने उसका जस्ट लो मार्क कर लो मार्क है अब क्या करना होगा एक बार हमने सेलर को मार्क किया एक बार हमने बायर को मार्क किया अब फिर से हम लोग देख रहे हैं सेलर्स को तो यहां पर क्या है सिक्स टाइम हमको बायर्स मिल गए अब हम देख रहे हैं कि सिक्स से कम से कम पांच हमें सेलर्स चाहिए और ये देखना कब तक है थर्टीन डेज में ही फाइंड करना है एक बार ये थर्टीन डेज गए तो गए और यहां से फिर नई काउंटिंग स्टार्ट फिर से नई काउंटिंग स्टार्ट होगी और जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता जाएगा प्रीवियस एक डे को हम लोग छोड़ते चले जाएंगे प्रीवियस डेज को छोड़ते छे जाएंगे कोई नया लेवल मिलेगा तो उस लेवल को मार्क कर लेंगे अब नेक्स्ट डे के लिए हम लोग मार्क माकर ये जो जितनी भी मार्किंग्स है ना ये सारी की सारी नेक्स्ट वीक के लिए है मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो हम लोग इन्हीं लेवल से कोशिश करेंगे काम करने की इन्हीं लेवल्स के पास से आपको ये लेवल्स मिल गए इसी लेवल के पास से आप बाइंग तो बाइंग सेलिंग तो सेलिंग ये करोगे जब मंडे को मिल जाएगा तो फिर एक दिन पहले की मार्किंग्स को आप रिमूव कर दोगे अब थर्टी डेज लगातार काउंट करोगे फिर उन थर्टी डेज में आपके पास ट्वेंटी 20, ट्वेंटी uh, का डाटा भी आपके पास होना चाहिए आई होप कि इतना ये समझ में आया हो अब एक काम कर लेते हैं ये तो मार्किंग क्लियर ही हो गई है अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मैं 16 को ट्रेड करना था 16 को अगर ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे 16 से पहले 13 डेज काउंट करने हैं तो 16 से पहले 30 डेज आप काउंट की 17 की कैंडल के नहीं बनी मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक ये तेरह है ना थर्टीन थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट को ले लिया अब ये कैंडल मेरे लिए बनी ही नहीं है हमें ट्रेड करना है सिक्सटीनथ को हम इसको कर देते हैं हाइट लेवल मार्क करने के लिए लास्ट थर्टी डेज़ के मेरे पास लेवल्स हैं अब देखिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर आपको नज़र आ रहे हैं पहले पहले सबसे ज़्यादा बायर नज़र आ रहे हैं सबसे ज़्यादा सेलर नज़र आ रहे हैं वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग प्राइस छोड़ दीजिए मैं प्राइस की जरूरत ही नहीं है तो देखिए यहाँ पर पर ये क्या एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स टाइम है और हाँ सबसे ज़्यादा यही है तो एक काम करेंगे ना हम लोग यहाँ पर जब बाइंग को मार्क करें बायर्स को मार्क करें तो हम बिल्कुल लो मार्क करेंगे वो एरिया जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है मेरा अब अपोजिट डायरेक्शन में आइए इसके अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मार्क कर लिया ना अब हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे मार्क करने का क्या तरीका है एक बार ये हमने बायर मार्क कर लिया तो यहाँ पर क्या है वन टू थ्री सिक्स टाइम बायर हमको मिल गए अब हमें कम से कम कम से कम फाइव टाइम या फोर टाइम फाइव टाइम अगर मिल जाता तो ठीक है और नहीं मिलता तो फाइव से फिर हम वन माइनस कर देंगे फोर टाइम हमें सेलर चाहिए कहाँ पर मिलेंगे आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं फाइंड करिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सब छोड़ दीजिए सिर्फ काउंटिंग करिए स्टार्ट तो सिक्स टाइम ने ये ले लिया और फाइव ये है फोर टाइम आपका फोर 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 नहीं सो so यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये बायर नजर सेलर्स नजर आ रहे हैं हम जस्ट इसका हाई तो एक सपोर्ट मार्क कर लिया और एक हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया क्लियर ना अब फिर से हमें बायर्स चाहिए तो ये फोर टाइम ये हो गया अब फोर से कम मतलब थ्री या फोर आ, फोर टाइम कम से कम हो तो हम उसको मार्क कर लेंगे तो इसके इक्वल में जैसे यहाँ पर हमें फोर टाइम सेलर्स इस एक जगह पर भी हमें सेलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी सेलर्स नजर आ रहे हैं और सेलर्स हैं बार बार बायर बायर्स बायर्स बाय स्पायर्स फोर टाइम यहाँ पर देखिए हमको कुछ बायर्स नजर आ गए यहाँ पर भी बायर्स नजर आ रहे हैं और पहले हमने मार्क किया था बायर को उसके बाद में हमने मार्क किया है सेलर्स को और फिर से यहाँ पर देखिए क्या मिल गया हमको बायर्स मिल गए इस वाले जोन को हम वैलिड मान सकते हैं तो यहाँ पर हमने एक सपोर्ट एक सपोर्ट किया और हम माक कर लेंगे है ना पहले हमने माँ किया पहले हमने क्या मार्क किया था सबसे पहले मार्क किया है हमने बायर को फिर मार्क किया सेलर्स को और फिर मार्क किया हमने बायर्स को फोर टाइम में अच्छा फोर टाइम देखिए यहाँ पर मार्क करने में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस जगह पर जो बायर्स हैं ये भी फ़ोर टाइम है इसके बाद में यहाँ पर भी फोर टाइम है और ये भी फ़ोर टाइम है तो इन फोर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसकी है क्योंकि काउंटिंग के अकॉर्डिंग तो तीनों ही हमारे ज़्यादा हैं तीनों में से मार्क तुम किसी एक को ही करेंगे तो ये वैलिड है क्योंकि इनकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इन तीनों को मिला लीजिएगा अगर किसी भी जोन की वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट कोई एक जोन भी कर रहा है तो उस जोन को हम मार्क कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस वाले सपोर्ट को मार्क कर लिया थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी समझ में तो पूरा आ जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर प्रैक्टिस कंटिन्यू होंगी इसके आगे अब अपने बार को मार्क कर लिया अब फिर से हम लोग आ जाएंगे एक स्टेप नीचे से उसको मार्क करने के लिए तो अब यहाँ पर कोई और तो जोन बन नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ तो हमने यहाँ पर मार्क ही कर लिया है कई बार होगा कि आपको बिल्कुल पास पास में जोन्स मिल जाएंगे तो फिर हम उसको मार्क नहीं करते छोड़ देते हैं और ज़्यादा नहीं करना है बस ट्रेड करने के लिए अगर हमें पास हमारे पास कोई लेवस आ जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे थ्री या फिर फोर टाइम दो बायर्स के जोन हम मार्क कर सकते हैं और दो सेलर के जोन मार्क कर सकते हैं इतना याद रखिएगा ऐसा नहीं कि वन टू वन टू वन टू करते करते बीस बीस लेवल्स मार्क करो नहीं चार चार लेवल्स अगर निकल करके आ रहे हैं ना, वो तो बहुत है फिर थर्टी डेज में चार लेवल्स निकल के आ रहे हैं बहुत है सबसे पहले बायर सेलर को मार्क करूँ दो सेलर्स के लेवल मार्क करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और दो बायर्स के लेवल्स मतलब सपोर्ट दो रेजिस्टेंस दो सपोर्ट इनफ है तो यहाँ पर थ्री हो गए और इसके बाद में तो पूरा जोन तो हमने यहाँ पर मार्क ही कर लिया अब नेक्स्ट डे अगर हमें ट्रेड करना है तो हम इसी लेवल से इसको ट्रेड कर देंगे है ना जब जब प्राइस इस लेवल पर आएगा जब भी इस वाले लेवल पर हमारा प्राइस आएगा हमें ये देखना होगा कि प्राइस मेरे लेवल्स के अंदर मेरी रेंजेस के अंदर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है या रेंज के बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ट्रेड करने के जो लेवल्स हैं वो तो आपको मिल ही चुके हैं जहाँ से हमें ट्रेड करना वो तो हमें मिल ही गया है अब मान लीजिए नाइन फिफ्टीन की कैंडल हमारी ये बनी है सेवेंटीन की तो आने दो सबसे पहले उसको अपने पॉइंट्स पर आने दो ये नहीं है कि कहीं पर भी आपने ट्रेड मार दिया यहाँ पर हमने ट्रेड कर दिया अरे थोड़ा सा तो प्रॉफिट हमारा हो गया कि प्राइस ऊपर की तरफ गया अब हमें नया ट्रेड चाहिए अब फिर से हम वेट करने निकल गया अच्छा यहाँ पर यहाँ से कैंडल बन गई अब हमें नया ट्रेड चाहिए ऐसा कुछ नहीं ये संभत करिएगा प्राइस में ट्रेड करने का लेवल अपना फिक्स ही होता है या तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे या तो फिर यहाँ से ट्रेड करेंगे प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा अब देखना है कि प्राइस आपका सपोर्ट ब्रेक करें रेजिस्टेंस ब्रेक कराए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बहुत सारे टेक्निक्स मेथड्स होते हैं आप किसको मार्क करते हो यहाँ पर सबसे सिंपल हमने क्या बताया आप किसी भी तरह की मदर कैंडल देख लो कोई भी मदर कैंडल फाइंड कर लो कोई इंगल्फिंग कैंडल फाइंड कर लो अगर उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो रहा है तो शॉर्ट मार दो क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है इस तरह से हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आ गए और उनका ट्रेंड हम देख सकते हैं कि किस तरह से है नाइन फिफ्टीन का लो ब्रेक हो रहा है इसके बाद में प्राइस जब मेरे लेवल के पास में आ जाने के बाद में क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपका वो ट्रेंड रहेगा क्या प्राइस में ओवरऑल जब आप ट्रेंड देखोगे तो डाउन साइड की तरफ ही गिरता चला रहा है कल का जो ओपन प्राइस है कल का जो क्लोज प्राइस है उसके नीचे एक तो मार्केट ओपनिंग दे रहा है इसके बाद में फिर लेवल्स अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करते हुए सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है और प्राइस हमको हमारे बिल्कुल लेवल एट फोर वन टू से फोर वन टू सेवन सिक्स इसके पास मिला अब प्राइस जैसे ही यहां पर आएगा फिर हम देख लेंगे कि यहां से मार्केट अप साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश कर रही है अगर ये हमें आइडेंटिफाई करना तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्राइस अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो देखिए इसने एक मदर कैंडल फॉर्म की ये जो आपकी ग्रीन वाली कैंडल है और इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जा रही है ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके ऊपर की तरफ नहीं जा रही और ये काउंटिंग हम कहाँ पर कर रहे हैं जो मेरी हायर टाइम फ्रेम की लाइन है हाई टाइम फ्रेम का लेवल है उसके पास में प्राइस ने जैसे ही नीचे की तरफ क्लोजिंग की आप ट्रेड मार दो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको कैच करने को मिल जाएगा बेशक आप डेरिवेटिव्स में काम करो लेकिन इसके अंदर भी आप फिर प्राइस को होल्ड कर ले जाओ प्रैक्टिस करो इसकी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं ये आवली टाइम फ्रेम पर इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं ना रोज डेरिवेटिव्स के अंदर अपने लेवल्स निकाल सकते हैं रोज के रोज़ उसको ट्रेड कर सकते हैं ये मेन टेक्निक हो गई आप इसको बैक टेस्ट करो निफ्टी के अंदर कोशिश करो बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करो क्योंकि बैक टेस्ट के ऊपर अपना बिलीव नहीं है क्लासेस भी जो होती हैं थोड़ी सी बड़ी क्लासेस होती हैं क्योंकि बैक टेस्ट कराने जाएंगे ना तो फिर तो सब कुछ बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा और बैक टेस्ट में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना सारी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट में काम कर जाती है लेकिन लाइव मार्केट में सबकी हवा निकल जाती है कुछ काम की आपको नहीं लगेंगे जो भी सिम्टम्स अभी हमने बताया जो टेक्निक बताई ना इसको लाइव मार्केट में जो थर्टी डेज़ का डाटा आपको थर्टीन डेज़ का डाटा आपको मार्क करना है और अगले दिन के लिए आपको लेवल मिल जाएगा मतलब फोर्टीन डेज़ के लिए फोर्टीन डेज़ के लिए आपके पास आपका लेवल होगा जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता जाएगा लास्ट वन डेज को हम ब्रेक करते चले जाएंगे छोड़ते चले जाएंगे और लेवल आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा आप देख लेना यहीं से आपको ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा जो सेकेंड टेक्निक है इसके थ्रू हम लोग हाई टाइम फ्रेम पर मार्किंग नहीं करते कोई मार्किंग नहीं सिर्फ 945 की कैंडल को मार्क करते हैं यह तो हमने आपको स्टॉक्स के अंदर भी बताई है सिर्फ आप क्या करोगे ना 945 की कैंडल को मार्क करो 945 की कैंडल को मार्क करने के बाद में क्योंकि वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होती 945 की कैंडल हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल रही है इसके पीछे का एक रीजन है क्योंकि क्यों नाइन की नाइन uh, की कैंडल इंपॉर्टेंट होती है तो जैसे ही प्राइस इसकी स्ट्रांगनेस आप इसी से समझ सकते हो कि जिस तरह से उसके लेवल पर तो नहीं मतलब आपका एक जितनी स्ट्रॉन्ग हाई टाइम फ्रेम की कैंडल होती है उतनी ही स्ट्रोंग नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल होती है क्या ऐसा तो ऐसा नहीं है लेकिन पावर्स कहीं ना कहीं सेम ही है नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल को मार्केट बहुत कम होगा कि डायरेक्ट ऐसे ब्रेक कर दे मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि प्राइस नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल की लो पर आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करता है या तो यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या तो फिर यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता है नीचे की दिशा में नाइन फोर्टी फाइव की कैंडल बन गई इस जगह से भी आप अपनी एंट्रीज के कंफर्मेशंस ले सकते हो जैसे क्या होगा ना कि लेवल को मार्क करने का या फिर आपको अगर दिशा निर्धारित करनी है उस दिन के तो आप यहाँ से काम कर सकते हो कोई भी देखिए 945 फोर्टी कैंडल को हमने मार्क किया ना उसको जस्ट यू ही ब्रेक नहीं कर देगा इस जगह पर आप अपनी एंट्रीज़ के कन्फर्मेशन लो ट्रेड मारो कोई भी ट्रेड जैसे 945 की कैंडल है ये ग्रीन वाली कैंडल देखिए इस ग्रीन वाली कैंडल के पास से आप अपनी एंट्रीज़ के कन्फर्मेशन इस कैंडल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी कोई भी चार्ट आप ओपन करो किसी भी डेट का ये नाइन फोर्टी नाइन फोर्टी फाइव लो लो मार्क कर लिया ये ये इस कैंडल का लो आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट है ये देखिए ये देखिए इसके बाद में नाइन की फाइव कैंडल उठा लो आप ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप जब प्राइज एक्शन की फील्ड में काम करोगे देखोगे समझने की कोशिश करोगे तो फिर इसके अंदर आप एक्सप्लोर कर पाओगे लेकिन एक वो जो माइंडसेट होता है ना कि यार हम इसमें काम करें ना करें वहाँ तो बहुत पैसा लगता है यहाँ तो बहुत कम पैसे में अब यकीन मानो कहीं के बचोगे नहीं आप प्रियोरिटीज़ अपनी डिसाइड करनी पड़ेंगी आपके पास पैसा नहीं तो फिर मार्केट आपकी है नहीं आपकी प्रियोरिटी क्या पैसा कमाना सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए कि आप पैसा कमाया कैसे जाए ये समझ लेना ये या ये जान लेना ज़रूरी होगा वरना बड़ा आसान होता है ना लोगों को भ्रमित करना बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाना बड़ी बड़ी वो सब लाइट्स वगैरह दिखाना सब कुछ करना है ना सब काफ़ी ब्राइट ब्राइट सा है तो सामने वाला देख करके अच्छा हाँ आसान है बड़ा इजी बहुत इजी एक्चुअल एक्चुअली इतना इजी नहीं है कॉन्टिन्यूस किसी भी एक कला के ऊपर किसी भी एक आर्ट के ऊपर आपको बहुत 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 साधना करनी पड़ती है आप कोई भी वीडियो हमारा उठा करके कर देख लो कभी भी हम ये नहीं आपसे कहते मिलेंगे कि बहुत आसान है बहुत ईजी कोई भी कर लेगा आप दस साल क्यों आप कर लोगे क्या क्षमता है आपकी ये हो सकता है कि हमसे ज्यादा आपकी क्षमता हो हम इस समझने में सीखने में हमें आठ साल या सात साल लग गए हो सकता है वही चीज़ आप सात महीने में कर लो ये तो मेरेकल हो जाएगा ना शायद इसे मेरेकल भी नहीं कह सकते ये अपना अपना टैलेंट है लेकिन हम इसको सब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते ना तो हम तो यही मान करके चलेंगे कि सभी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करो अभ्यास करो करने की कोशिश करो प्राइजेक्शन के ऊपर जितना हो सके अपना हाथ साफ करने की कोशिश करो स्टॉक्स के ऊपर काम करो प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना डेरिवेटिव्स में आकर के काम करो हम बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कह रहे कि डेरिवेटिव्स को हम प्रमोट करें या कुछ कर रहे हैं अगर काम करो ना डेरिवेटिव्स के ऊपर ये जो दो टेक्निक्स बताए हैं आप इसके ऊपर काम करके देख लो जो भी तरीके जो भी मेथड्स हम आपको स्टॉक्स के ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं ना आप किसी भी चार्ट में लगा दो किसी भी चार्ट में आपको हर जगह काम काम होते नजर आ जाएगा एक्स्यू एल के ऊपर कितना अच्छा वीडियो हमने बना करके कि अपलोड किया था करीब दो साल हो चुके हैं उसके ऊपर आप उसको गोल्ड में लगाओ आप उसको सिल्वर में लगा दो आप उसको स्टॉक में लगा दो आप उसको डेविटिस में लगा दो आप क्रिप्टो में लगा दो कहाँ लगाओगे लगा दो ये सब वॉल्यूम्स हैं प्राइजेक्शन ये हर जगह काम करेगा हमेशा काम करेगा अभी ये जो चीज हमने बताई ना इसको अप्लाई करो नाइन फोर्टी फाइव के कैंडल को कल की मार्केट में देख लेना आप आई होप कि आज के लिए काफ़ी है और बिल्कुल डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं लेकिन सच को जानते हुए समझते हुए ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके किसी ने कुछ बोल दिया कह दिया तो बिलीव कर लिए बट बढ़ गया समय दो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो और धरातल पर रहो सच को जानते हुए सच को समझते हुए थैंक यू सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो को कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें आप लोगों तक पहुँचानी होती है कोई चार्ट भी अगर शेयर करना है या कुछ भी आप लोगों के साथ हमें शेयर करना तो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं सो so आप उसको ज्वाइन कर सकते हो थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन